रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय नहीं है, हम उन्हें हरा देंगे। 2004 में लोकसभा चुनाव में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया और जीत दर्ज की। इस बार भी कांग्रेस की जीत होगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने पांचवी बार रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी आतंक के अड्डों पर ताला लगा देंगे और पाकिस्तान से पैसे लेने वालों को जेल में डालेंगे, तो वहीं कांग्रेस और उनके साथी कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने बिहार के भागलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है कि हमारे जवानों को आतंकवादियों और नक्सलियों से निपटने की पूरी आजादी होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महामिलावटी के लोग कह रहे हैं कि हमारे वीर जवानों के पास जो विशेष अधिकार है उसे भी वो हटा देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्ष पर हवाई हमले पर नाखुश होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की अगली सरकार बनने के बाद उनकी पार्टी कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार देश भर में एनआरसी लाएगी और देश के हर एक हिंदू शरणार्थी को नागरिकता प्रदान करेगी। 17वें लोकसभा चुनाव में 20 राज्यों में वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से निकलकर बड़ी तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देश भर में कई दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनकी धर्मपत्नी ने सिद्दीपेट जिले में मतदान केंद्र में मतदान किया। राजनीति मामलों में सक्रिय और हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट से मतदान किया। तेलंगाना के खम्मम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रेणुका चौधरी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी के देवल चौड़ से वोट डाला। उत्तराखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने परिवार सहित अमरावती से वोट डाला। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर पोलिंग बूथ से अपना वोट किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपना वोट नागपुर पोलिंग बूथ पर दिया। AIMIM मुखिया असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नेता और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आज रामनगर में रोड शो तथा जनसभा करके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। निमला गांव से लेकर रामनगर के ऐतिहासिक मैदान चौगान तक उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भाजपा के पक्ष में मतदान करें ताकि देश में एक मजबूत सरकार बन सके। वहीं गौतम गंभीर से ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों और 4 राज्यों की विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ मतदान केंद्रों में देखी जा रही है। 51 लोकसभा सीटों पर कुल 1,279 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें कई दिग्गज उम्मीदवार भी शामिल हैं। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर प्रथम चरण में 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है, जिसमें जम्मू पुंछ और बारामूला की लोकसभा सीट भी शामिल है। राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू में 26 अप्रैल को बंद हो रहा राज्य सचिवालय श्रीनगर में 6 मई से काम करना शुरू करेगा। बुधवार को राज्य सरकार ने दरबार मूव का आदेश जारी कर दिया। राज्य सचिवालय में दरबार मूव की तैयारियों में तेजी के चलते सरकारी विभागों को अपना कामकाज जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों की एडवांस पार्टियां 18 अप्रैल से श्रीनगर का रुख कर लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिलीज पर चुनाव आयोग ने रोक लगाने के बाद अब नमो टीवी पर भी रोक लगा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग का ये निर्णय नमो टीवी पर भी लागू होता है। चुनाव अवधि के दौरान इस चैनल को प्रसारित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इसकी रिपोर्ट मांगी थी।
जिस पर मंत्रालय ने कहा था कि नमो टीवी लाइसेंस चैनल नहीं है बल्कि डीटीएच विज्ञापन प्लेटफॉर्म है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गूगल ने डूडल बनाकर चुनाव संदेश दिया है। गूगल ने डूडल बनाकर लोगों से मतदान करने की अपील की है। गूगल ने डूडल बनाकर मतदान करने की पूरी प्रक्रिया समझाई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अपने संबंधित स्कूलों को पहले से 12वीं कक्षा में कला शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है। बोर्ड ने स्कूलों को कहा है कि वे चालू शैक्षणिक स्तर 2019-20 से ही इसे अनिवार्य रूप से पढ़ाएं। इसके लिए प्रति सप्ताह 2 पीरियड आरक्षित करने होंगे। वहीं पढ़ाई के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करने को कहा गया है। CBSE के अनुसार कला शिक्षा के अंतर्गत संगीत, नृत्य, विजुअल आर्ट और थिएटर स्ट्रीम को कवर किया जाएगा। जम्मू शहर और उसके आसपास के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू का पर्यटन विभाग इस साल भी जम्मू में बैसाखी के पर्व पर हर साल की तरह जम्मू बैसाखी फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। इस 3 दिवसीय बैसाखी फेस्टिवल का शुभारंभ 12 अप्रैल को जम्मू के मुबारक मंडी में होगा। वहीं इसका समापन 14 अप्रैल को अखनूर के जियापोता घाट में होगा। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में होने जा रहे लद्दाख संसदीय क्षेत्र के लिए चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल होगी।